हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर पार्ट सेकंड वीडियो ऑफ आईपीसी। प्रीवियस वीडियो में हमने तीन रूल्स किए थे आईपीसी के, अब हम फोर्थ रूल से शुरू करेंगे, वो है नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट चेन। अब बात आती है किसी भी पेरेंट चेन के अंदर हमें नंबरिंग कैसे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चेन है इस तरह से, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप में लगा हुआ है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन केस दूसरा है, यहाँ पे कुछ फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और एक यहाँ पे और ब्रोमीन लगा दिया हमने। अब कहा जाता है कि कहाँ से करेंगे नंबरिंग। तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो हम कहते हैं भाई वहाँ से करेंगे जहाँ से वो नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं तो ऐसे के अंदर वी विल प्रीफर एल एल एस आर रूल। अब बात आती है ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है लोवेस्ट लोकांट। लोकांट क्या हो गए, व्हाट इज लोकांट, ये जो लगा रखे हैं मैंने इन्हें ही कहते हैं लोकांट, या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। लोवेस्ट लोकांट सम रूल, यानी कि हमें इन लोकांट का सम देखना है नंबरिंग के अकॉर्डिंग, कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे लोवेस्ट है। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो मुझे लोवेस्ट लोकांट रूल के लिए यहाँ पे इनको ऐड करना है। 2 पे एक लोकांट है, यस। 3 पर है, यस। 4 पर दो है बेटा, तो 2 और 4 लिखना है। 4 दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि इस पे 2 और लोकांट है। क्या टोटल आ रहा है, 4 और 4, 8, 8 और 2, 10 और 3, 30। यानी कि अगर हम ये करते हैं तो यहाँ से आती है, अब मैं रेड पेन से यहाँ से कर रहा हूँ, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं लोएस्ट लोकांट रूल यहाँ से काउंट करता हूँ, 2 पे 2 है तो 2 प्लस 2, ये 3, ये 4। इसका सम देखें, 2 और 2, 4, 4 और 3, 7। 7 और 4 कितना हो गया इसके अंदर, इसको आप टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 11। इसका मतलब ये हुआ 13 बड़ा है, एल 11 जो है इसका वो कैसा है, छोटा है, तो ये हो गया आपका लोवेस्ट। सो ये वाली करेक्ट है और ये वाली रॉन्ग है। इसका मतलब अगर एक ही लोकांट हो कोई दिक्कत नहीं है, देन नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम वेयर इट इज नियरेस्ट टू द कार्बन एंड। बट अगर 1, 2, 3, 4 ज़्यादा लगे हुए हो, सो मैनी है, तो वहाँ पे सिंपल सा लॉजिक रूल कहना है लोवेस्ट लोकांट सम रूल। लेकिन अब दिमाग में प्रश्न आ गया, इफ लोवेस्ट लोकांट रूल भी दोनों तो से बराबर अर्थ हो, अगर ऐसा आ रहा है या तो नेम एक ही होगा, लेकिन अगर उसमें लोकांट अलग अलग हैं तो प्रीफर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए है क्योंकि जितने भी लोकांट है उनका कोई ना कोई नाम है, कोई ब्रोमीन है तो बी, अमीनो है तो ए। इसके हिसाब से एक हम एग्जांपल लेते हैं, वी हैव ब्यूटेन हियर एंड फ्रॉम हियर इट इज ब्रोमीन एंड फ्रॉम हियर इट इज क्लोरीन। 2 मैंने यहाँ पे लगाए लोकांट, आई विल चेंज द कलर। एक Cl ले लिया मैंने यहाँ पे बेटा, और एक यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रोमीन। अब लोवेस्ट लोकांट रूल यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, एक 1 पर है और एक 4 पर है, तो 1 प्लस 4 ये कितना आ गया, 5। अगर हम ब्रोमीन के एंड से नंबरिंग करते हैं, अब नंबरिंग कर रहा हूँ मैं आपके क्लोरीन के एंड से, उसके लिए पेन मैंने चेंज किया है, देखिएगा ये 1, 2, 3, 4 वो भी सेम आ रहा है। मीन्स दोनों के दोनों कैसे आ रहे हो, सेम आ रहे हैं। अब जब दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं इसके अंदर, तो प्रश्न आता है राइट कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इफ बोथ साइड लोकांट सम रूल इज सेम, देन वी प्रीफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इट्स मीन्स वी फॉलो दिस, 1 इज 2, 3, 4, ये आपका करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एल एस आर इज सेम देन गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बहुत जरूरी है, कई बार ऐसे IIT के अंदर नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर बहुत सिंपल सा नाम होता है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो नंबरिंग एंड से ले लेते हैं, हम यहीं से ले लेते हैं, हम बिल्कुल फर्स्ट में मिल गया 1, 2, 3, 4, हम भूल जाते हैं कि B पहले आएगा, C बाद में आएगा। तो ये भी एक रूल है, अगर आपका लोवेस्ट लोकांट सम रूल LSR बराबर है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए जाना चाहिए। तो 2 हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल किए नंबरिंग के। पहला रूल ये हो गया भाई, हम कहीं से भी कर सकते हैं, जी नहीं, सेलेक्ट करेंगे लॉगेस्ट चेन, लोकांट देखेंगे सबसे नज़दीक का वहाँ से करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोकांट लगे हुए हों ऐसे के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, उनको सम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कहाँ से हमें एल एल एस आर स्मॉलेस्ट मिल रहा है, लोएस्ट मिल रहा है। लेकिन एक बात आ गई, अगर दोनों तरफ से बराबर आ रहा तो प्रीफर करेंगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है।
चलते आगे नेक्स्ट रूल के ऊपर, रूल नंबर फिफ्थ, अगर कोई चीज रहती है तो उसको प्लीज वापस रिवाइंड करके देखो, उस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको रूल्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल जो इसके अंदर है अब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब मल्टीपल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास दो आ गए, एक आ गया डबल बॉन्ड, और एक आ गया बेटा जी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। अब ये अगर किसी में लगे हुए हैं तो ये हो गए एल्कीन एल्काइन, इनके भी कुछ रूल्स हैं, किसको फॉलो करेंगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लगाते हैं एक एग्जांपल। तीन केस आपके सामने बना रहा हूं, एक केस है जिसके अंदर डबल बॉन्ड यहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे है, एक में ट्रिपल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे, और एक के अंदर डबल बॉन्ड यहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे है। अब मैं पेन से कलर से इनका थोड़ा सा आपको पता पड़ जाए कहां क्या लगे हुए हैं। देखिए जो नॉर्मल रूल है जो लोकांड के लिए वही रूल याद रहेगा कि अगर कोई चीज बिल्कुल एंड पे आ रही है, टर्मिनल पे पास में मिल रही है कार्बन चेन के, तो वहीं से करेंगे। तो फर्स्ट वाली चेन के अंदर देखें, ये 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 पे आ रहा है, इसका मतलब नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5। लेकिन इस वाले केस के अंदर यहाँ पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, लेकिन नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि ये सबसे नजदीक आ रहा है। अगर आप लोअर लोकांड रूल यहाँ लगाना चाहें मैं लगा सकता हूँ, देखिए एक 1 पर है, दूसरा किस पे 3 पर, तो कितना आया 4। अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो 6 आता, यहां से आ रही है 4, यहां 6 आ रहा है, गलत हो जाता। सेम थिंग यहां पे भी मिलेगी आपको देखने के लिए। इसलिए यहां पे सिंपल सा क्या रखोगे याद, जहां से टर्मिनल एंड पर नजदीक आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट केस आ गया, इसके अंदर दोनों बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टर्मिनल पे हैं। मैं यहां से करता हूं तो ये 1 आता है, यहां से करता हूं 1 आता है। अगर ऐसा हो जाए, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दोनों टर्मिनल पे लगे हुए हो, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको मान्यता देनी चाहिए डबल बॉन्ड को, और नंबरिंग हम करेंगे यहां से। क्यों? क्योंकि अगर हम टेबल देखें तो डबल बॉन्ड इज मच पावर देन ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से होगी, उसकी ताकत उसमें ज्यादा है डबल बॉन्ड की। तो ये आपका एक डबल बॉन्ड को लेकर रूल हो गया। ठीक, प्रीफिक्स सफिक्स इसके लिए इन, इसके लिए आइन, अकॉर्डिंग टू नंबर। तो एक नाम लिख लेते हैं इसका, ये क्या है पेंट, तो पहले पेंटेन आएगा, ई हटा दिया जाएगा, अब पहले ई आता है तो 1 इन, फिर वाई आएगा 3 आइन, इस तरह से इनकी नंबरिंग हो जाएगी, इस तरह से इनका नेम हो जाएगा। तो ये हो गया लोएस्ट लोकांड रूल, ये हो गया आपका मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों आते हैं तो क्या करेंगे। अब एक इसी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड के अंदर एक चीज जो इसमें बताऊंगा, यहां पे इस एन को हटा रहा हूं, ये एन क्यों हटा रहा हूं मैं, उसकी वजह बताता हूं। क्योंकि हम यहां पे पेंटेन नहीं लिख सकते, ये भी एक इसका रूल है, अगर किसी पेरेंट चेन के अंदर 2 या 2 से अधिक, मान लो 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड लगे हुए हों, तो अगर केस ऐसा है इस तरह से, तो मैं बोलूंगा इसको ब्यूटेन, ई जो है उसको हटाऊंगा, नंबरिंग यहां से हो रही है 1 इन। लेकिन केस दूसरा ले रहा हूं मैं, यहां मैंने 2 डबल बॉन्ड लगाए, इसमें हल्का सा चेंज होगा, क्या होगा 1 2 3 4, इट इज ब्यूटा, सिंबल ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटेन ही करेंगे 1 3 डाई इन। तो ये आपको नेमिंग में ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से आते हैं, भाई वो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको वहां पे ब्यूटा यूज करना, नॉट ब्यूटेन, ये भी इसका एक रूल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे हो गए लोएस्ट लोकांड रूल, ये हमारे हो गए डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। अब हम एक रूल अलग ले रहे हैं इसके अंदर, जिसका नाम है साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या रूल है, एक ब्रीफिंग कर लेते हैं आईपीसी रूल की, सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, इफ देयर आर 2 or more than 2 लॉन्गेस्ट चेन, देन वी सेलेक्ट सच चेन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ लोकांड। नाउ नंबरिंग रूल, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम सच एंड वेयर लोकांड इज नियरेस्ट, अगर देयर आर सो मेनी लोकांड्स देन वी फॉलो LLSR लोएस्ट लोकांड सम रूल, इफ बोथ LLSR आर कॉमन देन वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो हो गए इसके रूल जनरल। अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें
तो जहां पे जिस एंड पे जो बॉन्ड नजदीक है वहां से नंबरिंग होगी, लेकिन दोनों के दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में है, दोनों बराबर एंडिंग पर है, एक लेफ्ट एक राइट, देन वी प्रीफर डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों दो से ज्यादा आ रहे हैं या दो आ रहे हैं, तो वहां पे हम एल्का की जगह एल्का यूज करेंगे, एन और ई दोनों हटा देंगे। अब बात करते हैं रूल्स फॉर साइक्लिक, रूल्स फॉर साइक्लिक कंपाउंड। देखिए साइक्लिक कंपाउंड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो आप मैथ्स के अंदर स्ट्रक्चर्स लेते हैं वो सारे मैंने यहां बना दिए। ये ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटेन, हेक्सेन, लेकिन यहां पर जब हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग वो सब रूल वही होंगे, लोवेस्ट लोकान रूल भी चलेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रूल भी चलेगा, सिलेक्शन भी चलेगा, लेकिन जब आप नेम लिख रहे हैं व्हाइल राइटिंग नेम, व्हाइल राइटिंग नेम, तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, यूज वर्ड, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, साइक्लिक रिंग है इसलिए वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, बिफोर पेरेंट नेम, पेरेंट नेम के पहले एक वर्ड यूज आएगा साइक्लो, बाकी सारे रूल वही फॉलो करेंगे। अब हम इसके अंदर इनके नाम लिख देते हैं जो हमने कंपाउंड बने। ये आपका तीन कार्बन है, 1, 2, 3। एक और चीज, नंबरिंग बाहर नहीं करेंगे, नंबरिंग अंदर ही करनी है, कहीं से भी कर सकते हैं, मैं यहां से कर दूं, बोले आप यहां से कर सकते हैं, कोई उसमें लगा हुआ नहीं कोई भी कंपाउंड। अब इसका नाम प्रोपेन है, जी नहीं, साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन, इसका मतलब हम एक वर्ड साइक्लो इस पे लगा रहे हैं जो इसकी पहचान बनता जा रहा है, साइक्लो पेंटेन, और बेटा ये हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्सेन। अब एक इसमें खास चीज, ये तो हो गई, बाकी सब रूल वही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए जैसे मैंने ये बनाया है यहां पे ब्यूटेन, और यहां पे लगाया मैंने ये, और एक मैंने यहां लगाया है ब्यूटेन, और यहां लगाया है 1, 2, 3, 4, 5। ये दो स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी कंपटीशन में आते हैं। इनके अंदर नंबरिंग किसकी होगी, देखिए ये कितना है 1, 2, और ये कितना है 1, 2, 3, 4। तो हम बड़ी चेन लेंगे, भले वो साइक्लिक हो या ओपन चेन हो, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके अंदर ये आपकी पीसी है, इसके अंदर ये आपकी पीसी है, पीसी हमेशा वही होगी जिसकी नंबरिंग ज्यादा होगी, भले वो साइक्लिक हो या भले ओपन हो। इस केस के अंदर नाम इसका जो आएगा वो 1 पे दो ग्रुप है, तो 1 इथाइल, अब साइक्लिक ग्रुप है तो ये साइक्लो, 4 है इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन, तो 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। इस केस के अंदर ये बड़ी नेम, इसके अंदर पेंटेन है, ये इसका लोकांट है 1 पर, तो 1 पर ये आपका हो गया साइक्लो ब्यूटाइल। ये ध्यान रखना, जो भी आपका ग्रुप है प्रोपाइल पेंटाइल ब्यूटाइल लग जाएगा, और मदर नेम ये हो जाएगा पेंटेन। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं रेड पेन से, इसको ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। यहां पर ये इसका प्रीफिक्स है और इसका यूज हुआ है सफिक्स, और यहां पर इसका हुआ है प्रीफिक्स और इसका हुआ है सफिक्स। जिस कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, भले साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, हम प्रिफर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि हमारा फंडामेंटल रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, उसका हमें यहां पे ध्यान रखना है। ये जनरल इसके रूल है। इसके बाद जब आप नाम लिख रहे हैं तो कुछ चीजें सुन लीजिए, जब भी आप कोई नाम लिख रहे हैं, अगर 1, 2, 3, 4 कोई एक जैसी जा रही है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये यूज करेंगे। नंबरों के बीच में कॉमा लगाएंगे, नंबर और अल्फाबेट अगर आ रहा है उसमें हाइफन लगाएंगे, पहला लेटर लोकांड का बड़ा होगा बाकी सारे छोटे होंगे, और आईपीसी नेम जब लिख रहे हैं तो शुरू से लेकर एंड तक बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ये सारे आपके दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सारे जनरल रूल आ गए हैं, इनको समराइज कर लीजिए। नेक्स्ट के अंदर में जो आपका जो चैप्टर लेसन 10 उसके जो नॉमिनक्लेचर है उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स आपको मैं समझा दूंगा, और उसके जो आईपीसी एग्जाम में आते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसके अगली थर्ड वीडियो के अंदर आएंगे, लेसन नंबर 10, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। टिल दैट थैंक यू बेटा।